इस बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, दोनों का एनालिसिस करेंगे इस एक्सपायरी के लिए जो कि कल वेडनेसडे है, परसों है, ठीक है। तो अभी करंट व्यू बता रहा हूँ कल के लिए भी परसों के लिए भी, और चलो चलते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी पे क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा रहेगा। देखो निफ्टी में क्या है ना, निफ्टी ज्यादा बड़ा मूव दे चुका है बैंक निफ्टी से, बट निफ्टी में का प्राइस एक्शन एकदम ही डिफरेंट है अभी। अभी अगर आप 2 दिन को देखो तो यहाँ ना बायर जीता ना सेलर जीता, मार्केट अजीब सी एकदम फंसी हुई सी रेंज में, ठीक है। हम इस हाई के अगर आसपास आ जाएं, अभी इस हाई से यहाँ तक, यहाँ तक। अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, अगर ये टूटता, ये लो टूटा, मैग्नेट ऑन कर लेता हूँ, क्या देखो ये लो टूटा तो अगला सपोर्ट जो है वो 18,500। हाई टूटने के चांसेस मेरे को बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, बट मैं कहीं से भी कहीं तक आपको ये नहीं बोल सकता कि ये मार्केट वीक है। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ साइडवेज टू बुलिश। अगर हम ऊपर को तोड़ते हैं तो हम कंटिन्यू रहेंगे इस बुलिश रैली में। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना यार, ये तो मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और नहीं जाएगी। पुराना टाइम याद दिखा देता हूँ एक बार आपको जाकर ना, मेरे को अच्छी तरह यह बात याद है क्योंकि मैं शॉर्ट था इस टाइम। देख रहे हो गैप अप खुला अप मूव, गैप अप खुला अप मूव, गैप अप खुला अप मूव, 1 2 3 4, कहीं पे भी रिट्रेसमेंट नहीं था और मैं कॉल शॉर्ट था कोई बीच की एक, और मैं ये सोच के बैठ रहा था कॉल रिट्रेस होगी, बट वो कभी रिट्रेस नहीं हुई, मैं बैठा ही रह गया, मेरे को स्टॉप लॉस ही लेना पड़ा उस पर। ये गलत फहमी में बिल्कुल मत बैठना कि मार्केट कहीं तो यार बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गई नीचे आएगी, नहीं। हो सकता है कंसोलिडेट करे, टाइम यूटिलाइज करे, टाइम यूटिलाइज करने के बाद ब्रेकआउट दे, बट इस गलत फहमी में बिल्कुल भी नहीं बैठना कि मार्केट यहाँ पे वीक है या बेरिश है। आपको अगर पुट बेचने का मौका नहीं मिल रहा तो मत बेचो, खाली बैठे रहो, लेकिन गलती से भी कॉल कॉल बेचना है ना तो पुट के साथ बेचना, और इस स्टाइल में बेचना कि आपका स्टॉप लॉस जो स्ट्रिक्ट हो, मेरी ये रिकमेंडेशन है। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी की तरफ अगर आप आके देखोगे तो बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया और बड़ा ही प्यारा ब्रेकआउट दिया, उसने निफ्टी की तरह एक्सटेंडेड मूव नहीं दे रखा, ठीक है। अगर आप डेली चार्ट पे आओगे तो कल उसने अजीब सी कैंडल बनाई थी, बट कल के लो से सपोर्ट लिया आज फिर से। अगर हम आके देखें, देखो कल के लो के नीचे से सपोर्ट लिया और वापस से रैली शुरू सी कर दी एक तरह से, ठीक है। बिल्कुल बुलिश बुलिश प्राइस एक्शन दिखा रहा है बैंक निफ्टी। अब हो सकता है ये यहाँ से साइडवेज टू बुलिश जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे भागता तो नहीं रहेगा ना सीधा, ठीक है। अगर हम इसके हाई को भी पकड़ लें यहाँ पर, तो मैं कॉल बेचने में कहीं पे भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसके अंदर। 44,200 के नीचे की पुट्स मेरे हिसाब से रिलेटिवली सेफ है, जब तक 44,200 नहीं टूटता वो सेफ रहेंगी, ये मेरा व्यू है, ठीक है। कल अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो मैं वेट करना पसंद करूंगा, यहाँ पे रिट्रेस करने का वेट करना पसंद करके फिर से एक और बुलिश पोजिशन बनाना शुरू करूंगा, राइट। सिंपल सी बात है यार, देखो ये आराम से अपना वो इधर ड्रॉ नहीं हो रहा, चलो ऐसे देते हैं। देखो हायर हाइज बना रहा है, राइट, ये बनाता जाएगा जब तक हम अप ट्रेंड के अंदर है, तो अप ट्रेंड के सामने नहीं लड़ना कभी भी। जिस आपको पोजीशन बनानी है, आप साइडवेज टू बुलिश पोजीशन बनाओ, 44,200 के नीचे की पुट बेचो, ठीक है। कॉल बेचनी है उसे सस्ती कॉल बेच लो, राइट। पुट कॉल बाय करनी है तो स्प्रेड में बनाना कि आपने 44,500 की कॉल बाय कर ली और 44,800 की कॉल सेल कर ली। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखो मेरी दो पोजीशंस चल रही है बैंक निफ्टी में बुलिश, अभी पोजिशनल अकाउंट्स में, ठीक है, राइट। एक तो ये चल रही है जो कि स्प्रेड में बुलिश है, राइट, और एक ये चल रही है जो कि बटरफ्लाई है, ठीक है। हम यहाँ पढ़ते हैं और अब ये 44,700 तक प्रोटेक्ट है, तो आप इनमें से कुछ भी बना सकते हो ऐसा, या फिर अगर आप बायर हो और आपको बाइंग करने का ही शौक है तो मैं रेकमेंड करूंगा ऐसी बाइंग करो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसी कर सकते हो भाई। 44,500 की कॉल आपने बाय कर ली, एक ही लॉट से करता हूँ, चार आदत हो गई है तो फटाफट ऊपर जाके 44,700 की कॉल सेल कर लो, वो सेल हो गया, मैं उसको बाय में कन्वर्ट कर देता हूँ।
इससे क्या होता है ना, ये स्प्रेड्स बनाने से क्या होता है, आपका जो लॉस है वो धीरे होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नीचे जाएगा तो एकदम से आपके प्रीमियम टूट जाएगा, आपको फायदा होगा, मार्जिन भी कम लगेगा। मेरी रिकमेंडेशन यही है, बाइंग करते हो तो स्प्रेड में करो, ठीक है, और सेलिंग करते हो तो भी स्प्रेड में करो, ताकि स्पाइक्स में आपका स्टॉप लॉस ना जाए, राइट। तो ये व्यू है मेरा 2 दिन के लिए, अगले बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर। किसी का कोई डाउट हो नीचे छोड़ दो, मैं बता दूंगा आपको। थैंक यू।